चीन जैसे हालात हुए तो क्या निपट पाएगा भारत? जी हाँ, भारत में अगर चीन जैसे कोरोना जैसे हालात हो गए तो क्या निपट पाएगा भारत? चीन के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते अफरा तफरी और मुर्दा घरों के बाहर लंबी कतारों की तस्वीरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी है। अप्रैल 2022 की कोरोना पीक को चीन ने जैसे दिसंबर महीने में पार किया, दुनिया भर में कोविड प्रबंधन को लेकर बैठकें शुरू हो गई। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें सभी को अलर्ट रहने की और कोरोना की निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए। कोविड पर नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने भी लोगों से फिर से मास्क और कोविड के अन्य प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सुरक्षित जोन में है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में करीब 66.72 लाख लोगों ने जान दी है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के नक्शे पर तक करीब 70 देशों की आबादी 66 लाख से कम है। कुछ महीने में आंकड़ा ठहरा हुआ सा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस के डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने आ सकता है? अगर कोरोना की नई लहर आती है तो उसके लिए भारत कितना है तैयार? भारत में वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, अस्पतालों में कोविड बेड, कोरोना सर्विलांस, टेस्टिंग और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएँ किस हाल में हैं? बात होगी आज इसी पर। भारत ने पहले आई कोरोना लहरों से कुछ सबक सीखा है या नहीं, इन सब विषयों पर बात करने से पहले दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों पर एक नज़र डालना जरूरी है। न सिर्फ चीन बल्कि जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील में भी कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन में 244, अमेरिका में 2921 और जापान में 1687 लोगों की मौत कोविड संक्रमण से हुई है। इन देशों में कोरोना संक्रमितों के मामले फिर से लाखों में पहुंचने लगे हैं। अब आपको बताते हैं वैक्सीनेशन का क्या है हाल। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 4000 से कम हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि भारत सरकार लोगों को वैक्सीनेशन दोनों डोज में लगाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन से हम लोग इन्फेक्शन का तो नहीं रोक पाए, लेकिन वायरस की सीवियरिटी और मोर्टिलिटी, घातक असर और मृत्यु दर को काफ़ी तक हद तक कम कर पाए हैं। कोरोना की दूसरी डोज का सच आपको बताते हैं, क्या है कोरोना की दूसरी डोज का सच। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। भारत में करीब कोरोना के 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं अब तक का आधिकारिक आंकड़ा, जिसमें से करीब 7 करोड़ ऐसे व्यक्ति जिन्हें अभी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगा चुकी है। लेकिन वैक्सीन के मामले कुछ राज्यों की हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है झारखंड का। यहाँ सिर्फ 74% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के पहले टीके के बाद दूसरा टीका भी लगवाया है। झारखंड के बाद मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नाम आते हैं। वे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का नंबर पहली डोज से भी ज़्यादा है। बात करते हैं बूस्टर डोज की, उससे लोग क्यों दूरी बना रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए संभवतः ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 जिम्मेदार है। उसके 4 मामले अभी तक भारत में आ गए हैं। डॉक्टर वीके पाल ने कहा है कि जीनोमिक्स कंसोर्शिएशन के अनुसार भारत में इस वेरिएंट से संक्रमण के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मामला इस साल जुलाई में है, 2 सितंबर में और 1 इस साल के नवंबर में दर्ज किया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर वीके पाल ने सभी लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेने के लिए कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज कोरोना के किसी नए वेरियंट के खिलाफ असरदार साबित होगी और भारत में लोग बूस्टर डोज क्यों नहीं लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की पहली डोज लगवाने वाले करीब 23% लोगों ने ही अभी तक बूस्टर डोज। इसमें सबसे ज़्यादा खराब हाल मेघालय का है,
जहां कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की पहली डोज लगवाने वाले करीब 23% लोगों ने ही अभी तक बूस्टर डोज लगवाई है। इसमें सबसे ज़्यादा खराब हाल मेघालय का है, जहां कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले सिर्फ 8% लोगों ने ही वैक्सीन की बूस्टर डोज ली है। इसके बाद पंजाब, नागालैंड, हरियाणा जैसे राज्य इस मामले में 10% से कम पर हैं। भारत के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों ने बूस्टर डोज को लेकर काफ़ी उत्साह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली डोज लगवाने वाले करीब 82%, लद्दाख में करीब 60% और तेलंगाना में करीब 42% लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि बूस्टर डोज से इन्फेक्शन रेट में कमी नहीं देखी गई है, ये बात रिसर्च में भी सामने आई है। यही वजह है कि कम संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। आपको बताते हैं हमारे अस्पताल कितने तैयार है अगर वाकई में कोरोना उस तरीके से फैलता है। तो दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में करीब 20,000 कोविड बेड हैं, जिनमें से करीब 30 बेड पर ही फिलहाल मरीज हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में बेड की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना किया जा सकता है। GTB हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और वे किसी भी मुश्किल स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आगे डॉक्टर गिरी कहते हैं GTB में इस वक्त कोविड के लिए करीब 100 बेड हैं जो पूरी तरह से खाली है। तुरंत नोटिस पर इन्हें बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में GTB हॉस्पिटल में 750 ऑक्सीजन बेड थे, जिसे बढ़ाकर अब 1200 कर दिया गया है। इन सभी बेड पर पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध है। आगे डॉक्टर गिरी कहते हैं कि करीब 300 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से किसी भी समय तैयार किए जा सकते हैं और GTB हॉस्पिटल को चरणबद्ध तरीके से कोविड हॉस्पिटल में बदला जा सकता है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करीब 2000 ऑक्सीजन बेड, करीब 800 ICU बेड की सुविधा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता का क्या है हाल? जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बताते हैं कि इस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है, क्या है इसके हाल। जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने पति को CPR देते हुए रेणु की तस्वीर देश ने ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुए भयावह मंजर का प्रतीक बन गई थी। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अस्पतालों में भर्ती मरीज भी ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे थे। इसमें दिल्ली के पत्रा और जयपुर के गोल्डन अस्पताल भी शामिल थे। ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों से भले ही सरकार ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी कमी को जरूर महसूस किया। यही वजह थी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रेशर ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने को अनिवार्य कर दिया। इसके लिए NMC ने MBBS प्रवेश विनिमय 2020 की न्यूनतम आवश्यकताओं में संशोधन भी किया। 27 जुलाई 2022 को सरकार ने संसद में बताया कि देश में 4115 प्रेशर ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कमीशन किए गए हैं। इसमें करीब 1000 प्लांट पिछले साल अक्टूबर में ही शुरू कर दिए गए थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने करीब 4,00,000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और करीब 1,50,000 ऑक्सीजन कंटेनर्स भी खरीदे हैं। GTB हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सुभाष कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले GTB हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। पहले हमारे पास 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक था, लेकिन अब यह 53,000 लीटर का टैंक है। इस टैंक से करीब 1500 बेड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकती है। वे आगे कहते हैं कि अस्पताल के पास अलग अलग भी 53,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पतालों के यहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई दी जा सकती है। बात करते हैं अब टेस्टिंग की। शुरुआत में कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट में कई दिनों का वक्त लग रहा था। उसकी एक वजह थी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इस वक्त देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता प्राप्त 3,393 लैब है जो कोविड टेस्ट कर रही है। क्लिनिकली वायरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर एकता गुप्ता कहती है कि ICMR ने जो कोविड RT-PCR नेटवर्क बनाया है वो काफ़ी हद तक बन चुका है। हम लोगों के बारकोड जनरेट रिपोर्ट बना रहे हैं, मरीज की ICMR ID से मरीज की डिटेल ऑनलाइन भी पता की जा सकती है। आज की तारीख में भारत एक महीने में करीब 5 करोड़ कोविड टेस्ट कर सकता है। अब तक देश में 90 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जीनोम स्विक्सिंग के लिए सैंपल्स लैब्स भेजने के लिए कहा है, ताकि वेरिएंट और सब वेरिएंट के बारे में पता लगाया जा सके। नए कोविड वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारत में इंडियन जीनोमिक्स कंसोर्टियम का गठन किया है। इसमें कोविड वायरस की जीनोमिक वेरिएंट पर नज़र रखने के लिए देश भर की 54 लेबोरेटरीज मिलकर काम कर रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज अस्पताल की लैब भी इसका हिस्सा है।
इस लैब से जुड़ी क्लिनिकली वायरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर एकता गुप्ता कहती हैं, हमें दिल्ली में हर पॉजिटिव कोविड केस का जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए कहा गया है। हम लोग नए वेरिएंट का पता करने के लिए रेंडम सैंपलिंग भी लगातार करते आ रहे हैं। फिलहाल इसमें कुछ नया हमें दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अभी भारत में कोरोना के केस चीन जापान की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हमें अभी सतर्क होने की आवश्यकता है। हम आपसे भी यही विनती करते हैं, घर से कम निकलिए, मास्क ज़रूर पहने और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज्ड करते रहें। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।